अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फोटोशॉप के अंदर किस तरह से एक इमेज को रीस्टोर करते हैं। इमेज को रीस्टोर करने से क्या मुराद है कि जैसे कि कोई डैमेज इमेज है, फटी पुरानी सी और बहुत ही मैली सी, उसके ऊपर स्पॉट्स भी हैं, उसके ऊपर धब्बे भी हैं, वक्त के साथ साथ फर्स्ट करें 20-25 साल पुरानी या उससे भी पुरानी, कोई 50 साल पुरानी इमेज है, पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके दादा परदादा के दौर में भी कैमरा था, स्टिल कैमरा था, बड़े बड़े कैमरे होते थे, लेकिन उन्होंने भी तस्वीर खिंचवाई होंगी, कभी वो अलमारी में बंद रह गई, ख़राब हो गई, तो उसको कैसे रिस्टोर करेंगे। बहुत ही ख़राब इमेज है, कलर करना, उसको रिस्टोर करना, ये चीज़ आप फोटोग्राफर से कराओगे ना तो वो जैसे तैसे करके तो दे देगा, लेकिन आपसे 2-3 हज़ार रुपये ले लेगा या उससे भी ज़्यादा, लेकिन आप खुद करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम ये भी देखेंगे कि इसकी कीमत क्या चल रही है मार्केट में, लोग इसकी क्या वैल्यू देते हैं, ठीक है, वो भी आपको बताऊँगा। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मैं यहाँ पर पहले एक इमेज ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, आपने गूगल से ये डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, मिल जाएगा गूगल से। अगर आप लिखेंगे डैमेज इमेजेस तो आपको बहुत इमेजेस मिलेंगी इस तरह की। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेरे यूएसबी में रखा हुआ है, मैं आपको यहीं से इमेज एक ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ डैमेज इमेजेस के नाम से फोल्डर है और ये 2-3 इमेजेस, उसमें से मैं एक इमेज लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा डैमेज है, जैसे ये इमेज है। इसको देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने, अंदाजन आप बताएं कितने साल पुरानी होगी, है 10 साल 20 साल 30 40 साल, हाँ ऐसे ही कुछ है, मे भी ये 50 साल पुरानी हो, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत पुरानी है, बड़े बड़े डैमेज हो गई है, कई जगहों से देखें कैसी हालत हो रही है, और कागज़ ही ऐसा हो गया कि इसको किसी को आप दिखाओगे तो वो, आप अगर आप किसी फोटोग्राफर के पास जाओगे बोलेगा भाई इसको बिल्कुल एकदम नया कर देना, बिल्कुल छकास, बोलते ना वो एक इंडियन हीरो थे, क्या नाम था उनका, अनिल कपूर, वो बोलता था छकास, तो वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि एकदम बेस्ट कर देगा उसको, अच्छा कर देगा, तो उसके भी वो आपको 4-5 हज़ार आराम से लेगा कलर करने के, फिर उसको फ्रेम करके देगा आपको, उसकी क्रिस्टल माउंट करके बना के देगा, तो तमाम तक मिला जुला के 4-5 हज़ार कहीं नहीं गए। लेकिन ये चीज़ आप घर पे बैठ के करोगे तो ना सिर्फ ये कि आप इस इमेज को रिस्टोर कर सकोगे बल्कि इससे कमा सकोगे। आपको मैं बात दिख रही तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कमा सकोगे। देखें यहाँ पर आप गूगल पे लिखें, बल्कि गूगल पे क्या लिखें, यहाँ फाइवर खोल लें, fiverr.com, ठीक है, सबसे अभी नंबर वन यही चल रहा है फाइवर, और यहाँ पर आप लिखें इमेज, क्या हो गया ये, समथिंग रॉन्ग, इमेज रेस्टोरेशन। आपको ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जो इमेज रिस्टोर कर रहे होंगे। देखें ये भी ऐसी डैमेज इमेज है, कितने ले रहा है आप मुझे बताओ, 1,800 कितने डॉलर हो गए, $5 नहीं, 5 तो नहीं होंगे, $10 ले रहा है ये, यानी एक इमेज बनाने के $10 बुरे नहीं है। अगर पूरे दिन में अगर 10 इमेजेस भी कर लें तो 18,000 तो यूँ कमा लेगा ये, है ना। अगर स्टार्टिंग बिगिनर है, बिल्कुल नया नया काम शुरू किया, तो वो $10 ले रहा है एक इमेज के। जो यहाँ प्रोफेशनल है ना, ये भी आपको आता है कलर करना ब्लैक एंड व्हाइट को, आप इसकी भी देख लें, ये भी $10 में करके दे रहा है, इस तरह पिक्सेलेड है तो उसको भी काफ़ी बेहतर करके दे रहा है, हालांकि रिजल्ट बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो एक इमेज उसे लगा दी कि इस तरह कर देगा। ये भी एक डैमेज इमेज वाला है, ये भी देखें $10 ले रहा है। इस तरह आगे आगे आप बढ़ते जाओगे तो कहीं आपको $50 कोई ले रहा होगा, देखें ये ज़्यादा ले रहा है, है ना। आई विल रिस्टोर डैमेज इमेज, रिपेयर ओल्ड इमेज, फिक्स पिक्चर, पिक्चर को ना सिर्फ कलर भी उसके अच्छे कर देगा बल्कि बिल्कुल ऐसा कर देगा जैसे डैमेज है, टोटली इस तरह का लुक कर देगा। तो ये तकरीबन मैं कहता हूँ $20 या तो $15 ले रहा है, ठीक है, इस तरह का कुछ इसका रेट है, तो बुरा नहीं है। अगर दिन भर में देखो आपके जॉब भी करते हो ना, जैसे मैं भी जॉब करता हूँ, मुश्किल से कितने ₹1,000 या उससे भी कम रोज़ के, लेकिन यहाँ अगर आप देख लो तो यहाँ आप रोज़ के 2,000-2,500 आराम से एक इमेज के कर रहे हो, वो भी एक इमेज के, मैं कह रहा हूँ एक इमेज के। अगर आप रोज़ के, चलो आप सुस्त हो, आप बोलते हो मुझे ज़्यादा काम नहीं होता, आप चलो 2-3 इमेज भी कर लो ना, तो आप एक जॉब करने वाले से कई गुना ज़्यादा कमाओगे, कई गुना ज़्यादा। यानी अगर सिर्फ 2 इमेज भी कर लो तो यार 5,000 तो यही हो गए, ₹5,000 अगर सिर्फ इमेज रिस्टोर करने के। तो यही ट्रिक आपको मैं सिखा रहा हूँ आज कि कैसे इस तरह की डैमेज इमेजेस को आप रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक टेक्निक आ जाएगी ना कि इस तरह डैमेज इमेज को कैसे रिपेयर करते हैं, इस तरह का लुक कैसे देते हैं। कलर करना तो आपको आता है, कोशिश करेंगे कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इन शॉर्ट अगर हुआ तो बता दूंगा, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं कि कलर कैसे करना है, डैमेज इमेज को रिपेयर करना है, रिपेयर करने के बाद उसको कलर करना है, ठीक है। ये उससे भी कम ले रहा है, ये मेरे घर से
$5 ले रहा है जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी जो डॉलर $1.75 का है ना, तो मेरे हिसाब से ये $5 ले रहा है। तो यहाँ पर आपको $5 वाले भी मिलेंगे, 10 वाले भी मिलेंगे और $200 से $300 वाले भी मिलेंगे। आगे जाके कहीं ना कहीं आपको कोई टकराएगा यकीनन ऐसा, जो इमेज रिपेयर करने के अच्छे खासे पैसे ले रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा $10 ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं अभी तक। और आप मजीद आप देखें तो पेजेस बहुत सारे हैं इसमें, इतना ही नहीं है, ये तो मैंने शुरू के चरण में आपको पेजेस दिखा दिए, लेकिन अगर आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मजीद और नज़र आएंगे जो कि इससे भी ज़्यादा आपको चार्ज कर रहे होंगे। मैं टाइम की कमी के बायस इसको जो है वो मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे वो लॉगिन करने के लिए कह रहा है। बहरहाल आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं ये देखें, ये आ गया, एक और आ गया जिसे रिपेयर करने के, तो ठीक है, कलर करने के कितने ले रहा है, 3716, अंदाजन कितने होंगे, $20, तकरीबन $20 समझ लें। तो ये $20 वाले भी है जो एक एक इमेज के इतने ले रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो 12 से 15 हज़ार भी ले रहे होंगे, लेकिन वो फिर क्वालिटी भी ऐसी आ रही होगी, ठीक है। तो महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, दोनों हैं। देखें 2700, ये 2700 ले रहा है। इस तरह से आपको आगे आगे बढ़ के बहुत सारे, इस तरह इसमें आपको लॉगिन, आप जैसे फेसबुक पे अपनी आईडी बनाते हैं ना, फाइवर पे आपको अपनी आईडी बनानी पड़ती है। और आज के बाद देखें, ये एक तस्वीर मैं अभी जो करके दिखा रहा हूँ, किसी ने वही डाल दी करके, ये मे भी मेरा स्टूडेंट हो, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बहरहाल मैंने और मे भी ना भी हो, लेकिन ये कलरफुल किया, उसने डैमेज को रिपेयर किया है ना, यही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो ये भी कुछ $5 ले रहा है, अभी बिगनर है बिल्कुल, और जब इसका काम बढ़ने लगेगा, जब आपको रोज आने के 8 से 10 ऑर्डर आने लगते हैं ना, कि एक बंदा आपसे 10 इमेज करवा रहा है, दूसरा 5 इमेज करवा रहा है, तीसरा 15 करा रहा है, लेकिन आप सोचिए कितने कमा रहा है एक प्रोजेक्ट निपटाने के, एक इमेज के अगर आप चलो 900 रुपये भी दे रहे हो, तो आपको अगर 10 इमेज करवा रहा है 9000 तो यही होगा एक प्रोजेक्ट के 9000। तो अगर आप रोज के 4 से 5 प्रोजेक्ट निपटाते हो, कितना कमा लोगे, अच्छा खासा, एक महीने में जो नहीं बंदा कमाता वो आप एक दिन में कमाओगे, अगर आप सिर्फ यही काम शुरू कर दो जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो वक्त ज़्यादा किए बगैर आ जाते हैं फोटोशॉप पे, और ये इमेज हमने लोड की भी है बिफोर एंड आफ्टर दिखाने के लिए। आपको कंट्रोल जे करें तो ये आपके पास कॉपी आ जाएगी लेयर की, ठीक है। कॉपी आने के बाद आप काम शुरू करते हैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाने के लिए। सबसे पहले आपको एक लोन लेना है, देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, इसके अंदर एक होता है जो हमने लास्ट टाइम शायद बताया था, नहीं बताया तो आज मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर एक हमारे पास होता है स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग क्या करता है, जैसे आप उसको तस्वीर पर इस तरह पेंट देंगे तो वो काफ़ी अच्छा कोशिश करता है कि उसको क्लियर कर दे, वो दाग धब्बे वैसे ही आपके क्लियर कर देगा। अगर आपके पास रोज़ के 50 इमेजेस का ऑर्डर है और आप मेहनत से करोगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप 50 बना सकोगे। 50 इमेज करना भी आपके लिए भारी पड़ जाएगा, अगर पूरी इमेज करने जाओ एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना, किस तरह के जो बड़े बड़े पैचेस बाहर की तरफ है उनको आप निपटा दें, बाकी जो डिटेल्ड वर्क है वो आप मेहनत से करें अच्छे से, ये तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। थोड़ा बड़ा ब्रश बड़ा कर देता हूँ ताकि ये थोड़े बड़े पैचेस को भी, और आप समझ रहे होंगे ये कौन सा ब्रश था, स्पॉट हीलिंग, बहुत ही काम का ब्रश है, लेकिन ये काम बिगाड़ता भी है, मे बी आपको नजर भी आएगा थोड़ी देर में काम बिगाड़ना शुरू कर देगा, कुछ जगहों पर काम बिगाड़ेगा लेकिन कुछ जगहों पर बेहतरीन वर्क करेगा, ये खास तौर पे जो बाहर का बैकग्राउंड है उस पर बड़ा अच्छा वर्क हो रहा है। देखें यहाँ गड़बड़ की इसने, चलो ये तो क्लोनिंग से मैं सही कर दूंगा, बाकी इस तरह की जितने भी एरियाज हैं जिनको आप इससे कर सकते हो कर लो, ताकि आपका वक्त बच जाए और आपको जो अगर बड़ी क्वांटिटी में तस्वीरें बना के देनी है तो वो मुश्किल ना हो जाए। बस आपको फेंक देना है, कहीं से कोई पिक्सल नहीं उठाने, कहीं पर कुछ भी नहीं लगाना, इस तरह फेंक देना है, खुद ही मैच करेगा और आपको हील करके देगा। देखिए जख्म होता है ना, अगर आप एक जख्म को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो नासूर बन जाता है, बोलते हैं ना कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ते, इस पर मरहम पट्टी लगाओ कुछ, इसको एंटीसेप्टिक वगैरह लगाओ तो वो सही हो जाता है। तो मैं नहीं हुआ कभी जख्म, वह हर एक को हो जाता है कुछ, अब जाते हुए कोई टकराव है कहीं पर हो जाता है ना, बाइक किक लगा रही है वहीं अक्सर लोगों को लग जाता है, किक लग जाती है, जख्म हो जाता है। कोई आप में से अगर बोलेगा ना कि सर आज तक हमें ज़िंदगी में कभी ज़ख्म नहीं हुआ, तो मैं पहले थोड़ा सा हंसना चाहूँगा। हाँ दिल का ज़ख्म वो मैं नहीं इससे सही कर सकता, हाँ वो फोटोशॉप से ट्राई करें, वो भी शायद कर दें, फोटोशॉप सब कर सकते हैं, दिल के ज़ख्म भी, वो एक दिल की इमेज नहीं यहाँ पे, और उसको यहाँ पे उसके ज़ख्म सही करना है ना, दिल की इमेज तो मिल जाएगी आपको गूगल से, दिल के भर जाते, ऐसा नहीं है भाई, रिश्तेदारों से कभी नाचाकी हो जाती है तो दिल को ही ठेस पहुंचती है ना,
लेकिन बाद में आप कैसे भूल जाते हो, एकदम भाइयों की तरह रहते हो या बहनों की तरह रहते हो, यानी भूल जाते हो कि उसकी गलतियों को माफ़ कर देते हो। माफ़ करने से बड़ा कोई, हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो दूसरे मज़ाहब में कम मिलेगी आपको, वो है माफ़ कर देना। ये जज्बा हर एक मज़हब में है, ऐसा नहीं कि बाकियों में नहीं है। फॉलो हम लोग ज़्यादा करते हैं। हाँ मतलब उस बंदे ने, अब देखो ना, अल्लाह ना करे उसकी जगह आपके, अल्लाह ना करे आपका बड़ा भाई होता उसकी जगह जो जिसकी डेथ हुई, अल्लाह ना करे, तो आप उसको माफ़ कर देते क्या? सर माफ़ नहीं कर देते, उसके बरस जो भी आसिया मरूना थी वो पाकिस्तान से बाहर चली गई, उसको मतलब उसको भी करते ना फिर। हाँ ये कानून बराबर बात सही है। चलिए ये आगे देखते हैं क्या स्टेप उठाती है, लेकिन ये कि अभी हालात, अभी खबर भी चल रही ना, अब देखिए अंदर की तरफ ये डैमेज को रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो बात आपकी सही है, दो तरफा कानून ना हो, एक तरफा ही हो के जो हमारे लिए वो उनके लिए भी हो, है ना। तो ये हो गया, और देखिए काफ़ी हद तक ये छोटे मोटे काम तो कर ही रहा है, ठीक है। इससे काफ़ी हद तक मेरा काम आसान कर दिया है, जो मे भी अगर मैं ऐसे ही करता तो बहुत टाइम लगता, लेकिन इसने खुद ने जो ये ऑटोमेटिकली जो करवाया था उसने काफ़ी हद तक कर दिया इसको, और जो बाहर का डैमेज है काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। अंदर देखिए, अंदर कपड़ों में डिज़ाइन भी तो है ना, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। देखिए आप खुद बोलोगे कि यार ये तो डिज़ाइन ख़राब कर रहा है, लेकिन डिज़ाइन उड़ा दिया इसने, तो ये हमें थोड़ा सा क्लोनिंग से करना पड़ेगा। बाकी जो शेडो वेडो टाइप का एरिया ये तो कवर कर लेगा, यहाँ कोई डिज़ाइन थोड़ी है, सनवटें बड़ी हुई हैं, तो सनवटों को तो बड़े आराम से ही निपटा देगा, लेकिन ये कि जहाँ पे पैटर्न बने हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं, वहाँ पर ये गड़बड़ कर जाता है। छोटे ब्रश से करेंगे और अच्छा होगा, बहरहाल देखा आपने बिगाड़ भी रही है। तो ये जो बाहर का तो काफ़ी हद तक आप देखें कितना बड़ा एरिया कवर कर चुका है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहा हूँ, आप देख सक रहे हो कि काफ़ी हद तक ये कवर कर लिया है, काफ़ी हद तक ये बना चुका है। जहाँ पर डिज़ाइन वगैरह नज़र आ रहे हैं वहाँ मैं कोशिश करूँगा इसको ना लगाऊँ। स्किन पर आप अप्लाई कर दें, स्किन पर इतना बड़ा इशू नहीं है, और छोटे जहाँ पर आपको लगता है कि कर्ली ब्रैकेट से इसको छोटा कर लें ब्रश को और फिर अप्लाई करें, तो स्किन पर भी अच्छा अप्लाई कर सकते, अच्छा इस पर इफेक्ट हो सकता है। स्किन पर कोई पैटर्न तो बना हुआ होता नहीं जो उसको फॉलो करें, कुछ जगहों पर आपको क्लोनिंग करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ भी काफ़ी हद तक बेहतर कर रहा है ये, और जो छोड़ देगा वो फिर हम क्लोनिंग से कर लेंगे। देखिए यहाँ ये बिगाड़ पैदा कर रहा है, अगर मैं कर भी रहा हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा काम किया है, इससे ज़्यादा नहीं। बालों पर भी अगर अप्लाई करके देखें, ठीक है, कहीं पर तो बहुत बेहतरीन वर्क होगा, कहीं पर वो अजीब सी लाइनें बना देगा जो बाद में आपको सही करना पड़ेगा। डैमेजेस भी काफ़ी हद तक देखें डिजॉल्व हो गई है, जो डैमेजेस आप देख रहे थे, या वो क्या कहते हैं उर्दू में इसको, सलवटे कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, है कोई इसको पता? बहरहाल इसको इस तरह की लाइनें हैं जो पड़ी हुई हैं इस पर, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, बाल भी ख़राब किए, इसको भी सही करते हैं। अब देखिए बालों पर मैं फेर रहा हूँ उसको, लेकिन आप खुद देखें कि कहीं तो बेहतरीन वर्क हो रहा है, कहीं पर ख़राब कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये एरिया बड़ा नाजुक है, अगर यहाँ पर मैं फेर दूंगा मे भी इसकी आईब्रोज गायब कर दें, तो ऐसी जगहों पर ये छोटा ब्रश यूज़ करें अगर आपने करना ही है, ताकि वो ज़्यादा डैमेज ना कर पाए, है ना। अगर ये मैं बड़ा ब्रश यूज़ करता मे भी ये बहुत बुरा कर देता है इसको, काफ़ी बेहतर कर रहा है। ये हीलिंग ब्रश का यही कमाल है, स्पॉट हीलिंग, ये सिर्फ हीलिंग नहीं है, स्पॉट हीलिंग है, याद रखिएगा। तो बेहतर हो गया, और मेजॉरिटी लोग इसी को यूज़ करते हैं वक्त बचाने के लिए। अगर वक्त नहीं बचा रहे, आप चाह रहे बिल्कुल परफेक्ट काम हो, तो फिर आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ अभी, जो मैं जो ये छोड़ दिया ना उनके लिए मैं आपको बताऊँगा। ये फील्ड ऐसी है ना मल्टीमीडिया की, एक बात याद रखना, कभी भी अपने आप को चीता नहीं समझना कि मुझे सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ भी नहीं आता। जहाँ आपने ऐसा समझ लिया ना, वो आपने फुल स्टॉप लगा दिया अपने ऊपर, कि अब आपका जवाल शुरू हो जाएगा। हो सकता है सामने वाले आपसे बड़ा चीता हो जो बता नहीं रहा हो, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही हो, है ना। कभी कभार जो दिखते हैं वो क्या बोलते हैं, वर्ड है उसके लिए, जो होता है वो दिखता नहीं, जो नहीं दिखता वो हो रहा होता है, यही होता है ना। बड़ी अच्छी आपने वर्ड यूज़ किया, ठीक है।
बहरहाल उसमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल सफाई से, ताकि ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, बाकी मेहनत आपने करनी है कि एक एक सलवट, एक एक क्रीज, एक एक लाइन है उसको बारी बारी करके साफ सुथरा कर लेना है। देखे ना, मैंने इसको तमाम को नहीं किया लेकिन जितना कर सकता था मैंने किया, कि एक इमेज को रिस्टोर करने में कम से कम इसके अंदर भी 3 घंटे आराम से लग सकते हैं, 2 से 3 घंटे कहीं नहीं गए आपके। मैं आपको छोटे टाइम में बता रहा हूँ लेकिन आपको मेरे ख्याल से आइडिया हो रहा है कि क्या करना है। ये जो चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ आपने ज़्यादा करना है, ताकि बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए, जैसे अभी आपने रिजल्ट देखा था थोड़ी देर पहले, है ना, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा अगर ज़्यादा टाइम देंगे इसको। बहरहाल काफ़ी बेहतर हो गया। इस तरह बहुत लोग करवाते हैं, ये आपने अभी अभी मैंने आपको क्या दिखाया है, वो सैंपल दिखाए थे वो क्या थे, और उसके ऑर्डर आपने नहीं देखे शायद, मैं बोलने भूल गया कि उनके ऑर्डर तो चेक करो। एक बंदा जो 900 रुपये भी ले रहा है तो 150 ऑर्डर का क्या मतलब है, आपका क्या ख्याल है, एक बंदे ने एक ही तस्वीर बनवाई होगी, 10-10, 20-20 तस्वीरें लोग करवाते हैं। तो आप सोचें कि अगर 150 ऑर्डर है और एक बंदे ने मैक्सिमम 10 और 10 तस्वीरें भी करवाई हैं, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हुए, 1500, और 1500 तस्वीरों को मल्टीप्लाई करें 900 रुपये से कितने हुए, अच्छा खासा कमा गया भाई वो। और 900 रुपये आपको लग रहे थे मामूली है, लेकिन वो बंदा 50,000 रुपये रोज के कमा रहा है, आराम से कमा रहा है, उससे ज़्यादा कमा रहा है। तो कहने का मकसद कि हम लोग मामूली समझ रहे थे यार, 900 क्या है, 900 कुछ भी नहीं, लेकिन वो बंदे का ऑर्डर तो देखो ज़रा, आराम से महीने के वो नहीं तो नहीं, आप हिसाब लगा लो, अगर एक दिन के 50,000 कमा रहा है तो वो कितने लाख कमा रहा है ये बताओ, मुझे अच्छा खासा कमा रहा है। तो यानी ये बेहतरीन फाइबर पे काम करना भी, बस ये थोड़ा सा आपको उस पर दिल लगाकर काम करना होता है। अच्छा चलो ये तो हो गया, अब आप मेरे ख्याल से ये चीज़ आप कर लोगे, ठीक है, क्या बोलते हो आगे बढ़ जाओ, ये कि मैं अभी करने जाऊँगा ना मुझे 2 घंटे और लगेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट आता हूँ फेस के ऊपर, ये फेस पर भी इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ये एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा चैलेंजिंग है, इसको अगर मैं ऐसी फेर दूंगा मे भी ये भी कर जाए, लेकिन बेहतर होगा कि इसको मैं जो है वो क्लोनिंग से करूँ, यानी क्लोन स्टैम्प है, क्लोन स्टैम्प लिया मैंने छोटे ब्रश से, जितना छोटा ब्रश होगा ना उतने गलतियों के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। बहुत ही छोटा सा पिक्सल उठाया ऐसे, आते उस समय साफ सुथरे एरिया से उठाने, और देखिए शेडो है तो या शेडो की वजह से इस तरह से बना रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर आप उसको रिपेयर कर रहे हो तो कोशिश करो नज़दीक तरीन एरिया से उठाओ, पिक्सल्स को नज़दीक से उठाओगे तो गलती के चांसेस कम है। इस पर टाइम लगता है, बेशक इसमें भी लगता है, ऐसा नहीं कि ये 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये कि इस रेस्टोरेशन करने में टाइम लगता है, जब भी तो इतने पैसे लोग देते हैं, हालांकि अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया कि $5-5 में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको अभी बताया ना कि एक दिन के 50,000 वो लोग कर रहे हैं जो कि 900 रुपये भी ले रहे हैं, ये बता दूँ मैं आपको। ये मत समझना कि जो 15,000 जो 2,000 या 2,500 ले रहा है एक तस्वीर के वही कर सकेगा, नहीं, ये 900 रुपये वाले भी अच्छा खासा छाप रहे हैं, यानी कि $10 या $5 वाले। इसमें मेजॉरिटी जो है ना वो पाकिस्तानियों की है और इंडियंस की है जो ये काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग, बिल्कुल ठीक है। इस तरह रिपेयर किया जा सकता है इस एरिया को भी अगर करना चाहे तो, काफ़ी हद तक बाज़ लोग इस एरिया को भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं उल्टा करके, यानी कि ये हिस्सा है नोज़ का उसको इधर कर दिया जाए उल्टा करके, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे, देखिए जैसे कि अगर मैं आपको ऐसी बताऊँ, अगर मैं काम करता हूँ यहाँ से ले लेता हूँ लासो, मुझे नोज़ का ये हिस्सा जो है उस उल्टी तरफ लगाना है, इतना हिस्सा तकरीबन, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल जे। अब आप बोलोगे सर कॉपी कहाँ ली, ये देखें ये कॉपी आया था सर, ये कॉपी है, इसको उल्टा करना है, आप सबको पता कैसे करेंगे, इमेज बल्कि सॉरी एडिट में है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजेंटल, याद आया, फ्लिप हॉरिजेंटल। अब कंट्रोल टी करके नोज टेढ़ी हुई भी है तो उसको थोड़ा सा नोस्टिल को आप सही कर लें, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, उसको अभी सिर्फ यहाँ रखा है मैंने, ठीक है। यानी कहने का मकसद कि आपको कहीं भी डिस्टर्ब भी करना पड़े, थोड़ा मोड़ना पड़े इसको, जस्ट गिव यू द आइडिया कि इस तरह करके आप काफ़ी हद तक कोशिश कर सकते हो कि नोज का ये हिस्सा काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, ठीक है, जैसे आइडिया दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि ये एक्चुअल होगा, ठीक है। अब जैसे इसको अगर मैं यहाँ से इरेजर ले लूँ, इरेजर लेने के बाद इरेजर की ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ, तकरीबन 15% किया है, मे भी ज़्यादा करना पड़े, बाकी सॉफ्ट ब्रश ले लें, यहाँ से हार्ड नहीं सॉफ्ट, ये हार्ड लिया हुआ था, काम बिगाड़ सकता था ये,
मैंने थोड़ा सा बड़ा ब्रश किया और 15% की ओपेसिटी से मिटाना शुरू किया इसको। आप देख सकते हो इरेजर ऑन है, टाइम बहुत लेगा लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कुछ बेटर होना शुरू हुआ है। जस्ट टू गिव यू द आइडिया, मैंने नोस्टल बहुत दूर लगा दिया, ठीक है नोस्टल इतना दूर होता नहीं है। बहरहाल आप जब लगाएंगे तो उसको थोड़ा नज़दीक कर लेना, अगर वी दबा के मैं थोड़ा सा मूव कर लूँ उसको सही जगह पे जहाँ होना चाहिए था इसको। अब देखिए दोबारा इरेजर ले रहा हूँ और फिर से इसको थोड़ा सफाई से मिटाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है अगेन टाइम टेकन है लेकिन ये बेहतर हो जाएगा, कुछ काफ़ी हद तक एक नोस्टिल एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी जो आप यहाँ लगा चुके होंगे। तो आप खुद देखें हो गया ना, कुछ बेटर हो गया है ना, बेटर हो रहा है। बाकी का आप ग्लोनिंग करेगा, आपको दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके मर्ज लेयर्स करना है ताकि दोनों मर्ज हो जाए, ताकि क्लोनिंग करके उसको बेटर किया जा सके। ठीक है क्लोनिंग करके ये सारे डैमेजेस हैं, आपने पिक्सल अगेन उठाना है, क्लोनिंग करना है, तो क्लोन स्टैम्प लिया मैंने और थोड़ा सा बड़ा ब्रश करके यहाँ से ये शेडो वाला जो उठाया और यहाँ लगाना शुरू किया, तो काफ़ी ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है इस तरीके से करते 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 एक वक्त आएगा कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी इमेज। और नोज देखिए, पहले क्या नोज नहीं थी, देखिए क्या था पहले, देखा आपने ये था पहले, अब क्या हो गया, बेटर नहीं हो गया। अगेन मैं इसको अभी टाइम निकाल के बिल्कुल ऐसे बना दूँ लेकिन अगेन टाइम लगेगा, लेकिन क्लोनिंग करते 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 ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और जहाँ डैमेजेस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको लगता है कि स्पॉट हीलिंग नहीं करके दे रहा, वहाँ खुद ही इसको हील कर सकते हो। अब जैसे ये एरिया तो कर देगा, अगर मैं इसको ले लूँ यहाँ से स्पॉट हीलिंग और छोटे ब्रश से, बड़ा ब्रश काम खराब करेगा। देखो काफ़ी बेहतर कर दिया, इस तरह की जुर्गियाँ तो हट जाएंगी इसमें से, जो नहीं होंगी वो फिर आपको क्लोनिंग से अभी मैंने बताया कि कैसे सफाई से आप हटा दोगे उसको। झाड़ू से हटा ब्रश टूल से भी हटा सकते हैं, नहीं लेकिन ब्रश यू आप क्लोनिंग ले रहे हैं ना, क्लोनिंग से करो बेटर हो जाएगा, काफ़ी बेहतर। टाइम टेकन है मैं कह रहा हूँ ना, 2-3 घंटे कहीं नहीं गए आपके, लेकिन पैसे भी तो देखो फिर, पैसे भी तो इतने मिल रहे हैं आपको। तो ये कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं घर बैठे और बताते मुझे सर आज हमने इतने लाख कमाए, मैं बोला अच्छा भाई, बोले सर आप बताएं आपको कितना दें, बोले मैंने भाई तुम्हें सिखा दिया ना, बस काम करो, दुआओं में याद रखो। बाकी ये कि ऐसा नहीं कि मुझे उसका कोई बदला चाहिए, आप लोगों को अगर सीख के अपना घर आप संभाल रहे हो, अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, घर बैठे बैठे आपको मिल रहा है तो क्या बुरा है ना। आप लोग में से भी इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर होगा जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर चुका होगा या तो प्लान कर रहा होगा कि मैं करूँ, है कोई बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल जैसे आप फेसबुक पे ट्विटर पे बना सकते हो ना, ऐसा तो नहीं कि ट्विटर पे बनाओगे फेसबुक वाला मना करेगा, है ऐसा किसी में बना लो भाई, मेरे 10 के करीब तो मेरे बने हुए, तो कहीं ना कहीं से ऑर्डर आता है मैं काम शुरू कर देता हूँ, ऐसे फालतू नहीं बैठा रहता, क्योंकि अगर फाइबर के आश्रय पर रहा ना तो पूरी ज़िंदगी आप इंतजार करते रहोगे कि आज कोई ऑर्डर आ जाए, लेकिन क्या कभी अपवर्क से आ जाता है, कभी guru.com से आ जाता है, कभी जो पीपल पर आवर से आ जाता है, कभी पे पर आवर से आ जाता है, कहीं ना कहीं से हाँ guru.com पे आपको देना पड़ता है वन टाइम, उसके बाद नहीं देना पड़ता, लेकिन अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं वहाँ से भी। अच्छा देखिए यहाँ मैं क्लोनिंग करने जा रहा हूँ, सम हाउ ये गड़बड़ कर रहा है, दोबारा ले रहा हूँ क्लोन स्टैम्प टूल और ये पिक्सल यहाँ से उठा के यहाँ लगा रहा हूँ ताकि ये ऐसा जो गैप हो गया था ना इसको सही कर दे, काफ़ी बेहतर हो गया। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, एक और है जो कोई नहीं बताया था मुझे मेरे को जिसने बताया था ना, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसने बताया कि सर आपको मैं बताता रहा, ये वेबसाइट किसी को बताना मत क्योंकि इसमें पैसा बहुत है और एक एक लोगों के $250-$250 मिलते हैं और किसी को नहीं पता इसके बारे में, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ आज आपको। उस वेबसाइट में अक्सर आप वैसे कर भी रहे होंगे बहुत सारे उस पर काम, उसका नाम है designcrowd.com, करोड़ों रुपये वाली वेबसाइट बता दी मैंने आपको, मैं खुद भी करता हूँ इसलिए आपको भी बता रहा हूँ, designcrowd.com। ये कोई आपको नहीं बताएगा कि बैठे बैठे एक लोगों के जिसको $250 मिल रहे हैं क्यों अपनी रोजी को लात मारेगा, चीज भी तो मांग रहे ना फिर।
क्या मांग रहे? कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, नहीं एक रुपया नहीं मांग रहा हो? बहुत अच्छी मांग रहे हैं ना। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस आपको, आप देखो उस वेबसाइट पे जाके कि आपको बस एक प्रेजेंटेशन देनी होती है ना कि भाई ये लोगों बनाया तो ऐसा दिखेगा, तो वो क्या मुश्किल है कि अगर आप उसको मॉकअप भी बना के दे दें तो कोई हर्ज थोड़ी है। अभी आप मॉकअप भी सीखोगे, मैं मॉकअप छोड़ नहीं रहा हूँ, मॉकअप भी सिखाने वाला हूँ कि मॉकअप्स बनते कैसे, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। तो ये बड़ी भारी वेबसाइट मैंने बता दी आपको लोगों को, सिर्फ आप लोगों को नहीं बल्कि जो लोग देख रहे हैं उनको भी मालूम पड़ेगा, ज़रूर देख रहे हैं इस वेबसाइट को, designcrowd.com। बाकी को छोड़ दो, इसी पे शुरू हो गए ना अगर आपका, आपके लिए बहुत है designcrowd.com। मेरा एक दोस्त सिर्फ इस वेबसाइट से महीने के 19 से 20 लाख कर रहा था इस वेबसाइट से, अब उसे वो काम छोड़ दिया क्योंकि उसने उससे बड़ा काम पकड़ लिया तो अब वो इस पे काम नहीं कर रहा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर 19 से 20 लाख किसी को मिलते होंगे ना, वो कभी दूसरा काम सोचेगा भी नहीं कि मैं कोई और काम कर लूँ। लेकिन उसके जो वालिद का पुराना बिजनेस है तो वो संभाल रहा है अभी, तो ये काम छोड़ दिया उसने। मैंने उसको यही बोला इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या, इतना सीखा, इतना काम किया, चले बहरहाल उसकी मर्जी। बहरहाल ये काफ़ी हद तक बेटर हो गया। अभी देखिए इतना मैंने करके दिया है और मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको यहीं तक छोड़ देता हूँ। हाँ ये एरिया कैसे करेंगे ये आपकी समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही आसान है। क्लोन स्टैम्प लेना है, थोड़ा बड़ा ब्रश करके ये एरिया में यहाँ ऑल्टर करके इस जगह से पिक्सल उठाते हुए सबको आ रहा है समझ में, ये दीवार आप यहाँ की बना लोगे जो कि जाहिर सी बात है तस्वीर उखड़ी भी क्या है या फटी भी है यहाँ से, तो उसको सही करना है। वैसे तो फाइबर अगर आपको, आप चाह रहे हो आपको शुरू से ही पैसे मिले ना, तो फाइबर से स्टार्ट लो, डिजाइन क्राउड से नहीं लो। जब फाइबर पे आपकी इनकम शुरू हो जाए ना फिर डिजाइन पे चले जाओ, डिजाइन क्राउड पे। अभी चूंकि आपको तजुर्बा नहीं है ना, फाइबर आपको अच्छा खासा सिखा देगा कि भाई वहाँ पे काम कैसे होता है और किस तरह का लोगो बना के लोग मांगते हैं या डिमांड क्या क्या चीज़ की है, उसके बाद आप जाओगे डिजाइन क्राउड। अभी जाओगे तो अभी आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल आप छोड़ छाड़ के आ जाओगे, नहीं यहाँ बेकार है, ऐसा ना होगा। ठीक है तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है तो अर्निंग शुरू करते हैं, कोई बात मसला नहीं है। ठीक है कलर करना आप अगर नहीं देख, आपने देखा तो एक वीडियो शुरू में पड़ी हुई है, हाउ टू कलर ब्लैक एंड वाइट इमेज या ब्लैक एंड वाइट टू कलर इमेज, इस तरह की वीडियोज बहुत सारी हैं। तो इस चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगी कि किसी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर कैसे करते हैं। डैमेज रिपेयर करना आज आप सीख गए, ठीक है काफ़ी हद तक मैंने 80-70-60% मैंने इसको कर दिया, बाकी आप पे छोड़ता हूँ, कर लेंगे कोई मुश्किल काम नहीं है। जब इतना कर लिया तो वो भी हो सकता है। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।